नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रीजनिंग गुरु ऋषि एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हैंडशेक प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब कि हाथ मिलाने वाले जो प्रॉब्लम आते हैं उनको कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए और उस पे आधारित एग्जाम में कैसे और क्वेश्चन आते हैं, दोस्तों आज हम उसको सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे और उससे आपको जरूर लाभ मिल रहा होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो हैंडशेक वाले यानी हाथ मिलाने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, ये कुछ ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि एक पार्टी हो रही है कहीं पर, ठीक है, एक पार्टी हो रही है, उस पार्टी में कुल मान लेते हैं कि 11 लोग है ना, 11 पर्सन है वहां पे, 11 लोग उपस्थित है ना। ये जो 11 वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूपीएसआई में इसी पिछले साल 2018 में पूछा गया था। ठीक है, मान लेते हैं कुल 11 लोग हैं। ठीक है, हर बंदा दूसरे बंदे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है और सबका सबके साथ हाथ मिलाना जरूरी है, और जरूरी है तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी पार्टी में कुल 55 बार हाथ मिलाए गए हैं, यानी 55 बार हाथ मिलाए गए हैं और हर बंदा दूसरे पर्सन के साथ सिर्फ एक बार हाथ मिला रहा है, तो कुल कितने लोग उपस्थित थे उस पार्टी में। ये दोनों तरह के आपस में कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज बदलकर, कभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग फॉर्मूले याद करते हैं दुनिया भर की चीजें, मैं आपको फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि जिससे आप तुरंत एकदम एक सेकंड नहीं लगेगा और आप आंसर बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं इसका बेसिक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बेसिक जैसे 11 पर्सन थे, ठीक है, हर एक आदमी से हाथ मिलाता है ना, हाथ मिलाता है। अब कुल कितने हाथ मिले ये आपको बताना है, कुल कितने हाथ मिले ये आपको बताना है। इसके बेसिक के लिए हम चलते हैं एक इंग्लिश में चैप्टर आता है जिसका नाम होता है कॉम्बिनेशन, जो कि मैथ और रीजनिंग का दोनों का है चैप्टर। ठीक है, इसका ही एप्लीकेशन है जो आपको रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, एसएससी के एसआई हो, कोई भी पुलिस भर्ती का एग्जाम में इसके एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, समझते हैं। देखिए, सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास ये दो आदमी थे, है ना, दो की जगह तीन कर लेते, समझने में थोड़ा आसानी होगी, है ना दोस्तों। मान लेते हैं हमारे पास ये तीन आदमी थे, ठीक है, अब सबको सबसे हाथ मिलाना है ना। तो मान लीजिए एक बार ये इससे हाथ मिलाए और एक बार ये इससे हाथ मिलाए, कुल कितने हो गए इसकी तरफ से, ठीक है, दो बार हाथ मिलाए जा चुके। ठीक है, अब देखिए ये किससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा बिल्कुल। देखिए ये इससे हाथ मिलाएगा ना, इससे तो नहीं मिला सकता क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए हाथ मिला चुका है, और इससे आप मिलवा दे रहे तो एक और, यानी इसका जो आया वो कितना आया, एक आया। अब देखिए इसकी बारी आई, अब ये किससे हाथ मिलाएगा, इससे तो ऑलरेडी मिला चुका है देखिए, और इससे भी ऑलरेडी मिला चुका है दोस्तों, तो अब ये किसी से हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि टोटल तीन ही लोग थे और हाथ मिला गया। अब देखिए यहां पर कितनी बार हुआ, 2+1 यानी 2+1 कितना हो गया, 3। तो यहां देखिए तीन लोग थे तो बहुत आसान था, आप अगर ऐसे भी करते तो भी निकल जाता। लेकिन अगर सपोज करिए यहां पर चार लोग आ जाए, है ना, चार लोग आ जाए या 10 लोग आ जाए या 15 लोग आ जाए, तो आप ऐसे 15 बार तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि समय हमारे पास क्या होता है, कम होता है, और समय कम होता है और हमें ज्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं और एकदम एक्यूरेसी के साथ करने रहते हैं जिससे हमें सटीक नंबर मिले। तो दोस्तों अब चार लोग हैं, आइए एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। होता क्या है, मान लीजिए ये इससे हाथ मिला है, ये इससे हाथ मिला है, ये इससे हाथ मिला है, यानी इसने कितनी बार टोटल हाथ मिला है, तीन बार, देखिए तीन बार हो गए दोस्तों। ठीक, अब इसकी बारी आई, इसने इससे मिलाया और इससे मिलाया, ये कितनी बार मिलाएगा दोस्तों, दो बार, देखिए इससे और इससे, इससे नहीं मिला सकता क्योंकि ये ऑलरेडी मिला चुका है, बिल्कुल सही। अब इसकी बारी में, अब ये किससे मिलाएगा, सिर्फ इसी से मिलाएगा क्योंकि ये इससे मिला चुका है और ये वाला इससे भी मिला चुका है, तो ये कितनी बार मिलाएगा, एक बार, है ना दोस्तों।
अब इसकी बारी आई तो ये देखिए किसी से नहीं मिला पाएगा, क्योंकि इससे भी देखिए मिला चुका है और देखिए इससे भी मिला चुका है और ये इससे भी मिला चुका है ना, तो एक ही से। अब अगर इसको जोड़े तो 3 + 2 + 1 यानी कितना आया 6 बार। अगर 4 लोग उपस्थित होंगे तो टोटल कितनी बार 6 बार हाथ मिलाया जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ 3 था 4 था तो आपने डायग्राम के थ्रू समझ लिया, आप निकाल भी लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि 28 लोग उपस्थित थे तो ऐसे 28 बार तो हम डायग्राम बनाने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो यही प्रॉब्लम को हम आज डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कॉम्बिनेशन के पार्ट से, ठीक है, कॉम्बिनेशन के पार्ट से, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, ये इसका फॉर्मूला होता है। N का मतलब होता है यहाँ पे कि कुल, N का मतलब होता है कुल, और R का मतलब होता है कितना आपको चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, कितना आपको चाहिए। C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कहते हैं कि अगर 11 लोग पार्टी मौजूद थे तो 11 के कॉम्बिनेशन से हमको कितने चाहिए, ठीक है, ये चीज। अब समस्या ये है कि ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में रुकता नहीं है, इसका अगर आप खोलेंगे फॉर्मूले को तो बहुत लंबा जाता है, ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं, ये आपके एग्जाम में नहीं आता। आपके एग्जाम में जो आता है इसी फॉर्मूले को ही इस्तेमाल करते हुए एग्जाम में आपको मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है, कैसे करते। देखिए सबसे पहले जानने के लिए आपको एक चीज जाननी होगी कि अगर एक बार हाथ मिलाया जा रहा है, यानी अगर एक बार हाथ मिलाया जा रहा है तो कुल कितने लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है ना। ए और बी अगर हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलेगा, एक बार मिलेगा, मिलेगा ना दोस्तों, यानी एक बार हाथ मिलाने के लिए कुल 2 लोगों की जरूरत होगी, 2 लोगों की जरूरत है, यानी हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, है ना, हर बार हमको 2 चाहिए क्योंकि हाथ मिलाने की बात हो रही है और एक आदमी दूसरे आदमी से सिर्फ एक बार हाथ मिला रहा है, तो यानी हमको चाहिए कितना, 2, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कितना आसान हो गया, अब चाहिए हमको कितना, 2, तो हम 2 को हमेशा रख लेते हैं, है ना। अब 2 चाहिए इसका मतलब कि हमेशा हाथ मिलाने के लिए, एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला था इसमें आप यहाँ पे हमेशा 2 लिख लेंगे, है ना दोस्तों, क्या लिख लेंगे, 2, क्योंकि हाथ मिलाने के लिए हमेशा कभी भी एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 लोग की जरूरत पड़ती है, आप क्या लिख लेंगे, 2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एन का मतलब क्या, जैसे हमने आपको बताया कि पार्टी में, यानी किसी भी पार्टी में कुल कितने लोग बताए थे, 11 पर्सन मौजूद है ना, 11 पर्सन मौजूद है। अगर पार्टी में कुल 11 लोग हैं तो हाथ तो यही 11 ही लोग आपस में मिलाएंगे, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, 11, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11C2, यानी क्या लिख सकते हैं, 11C2, बस सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान है, 11C2 को अगर आपको खोलना है तो आपको बिल्कुल भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है इस 11 को 2 बार फिर से एक बार 11 को 2 बार, यानी 11 को 2 बार तक पीछे ले जाना है, यानी 11 × 10, देखिए 2 बार तक पीछे ले गए, है ना, 11 ये जो ऊपर लिखा रहता है इसको इतने बार पीछे ले जाना, अगर यहाँ 3 लिखा रहता तो 11, 10 और 9, यानी 3 बार ले जाते, तो यहाँ पर 2 लिखा था तो 11C2, यानी 11 को हमने 2 बार पीछे ले गए, अपॉन 2 × 1, है ना, 2 × 1। अब आप 1 करना चाहें कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है, अगर नहीं करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी अगर 10 लोग 11 लोग पार्टी में मौजूद थे तो हाथ कितनी बार मिलाए गए, 55 बार, है ना दोस्तों। अब देखिए मैं आपको इसके लिए करके दिखाता हूँ, है ना, यहाँ तो हमने प्रैक्टिकल समझा था कि 6 बार हाथ मिलाया जा रहा है, इसको आइए हम अपने फॉर्मूले पर इस्तेमाल करके देखते हैं, है ना दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर कुल कितने लोग हैं, यानी टोटल कितने लोग हैं, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 लोग, है ना, हमेशा दोस्तों। और हमने हमेशा बताया जब भी हैंडशेक की बात आए तो आप 2 का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर बार हाथ मिलाने के लिए
दो लोगों की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। अब इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं, यानी एन सी टू। और फॉर्मूला क्या होगा, ये हमने फॉर्मूले के तौर पर आपको बताया, लेकिन फॉर्मूला है नहीं। अब देखिए एन की वैल्यू कितनी है, चार, सी और टू। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसको खोलने चार, अगर खोलेंगे तो चार को दो बार पीछे ले जाएंगे, यानी चार बुढ़े तीन, है ना। तो इसको इतनी बार तक पीछे ले जाएंगे, यानी दो बार तक पीछे ले गए, अपॉन दो बुढ़े एक, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ कितना जाएगा, तीन दूनी छह। देखिए यहाँ फॉर्मूला छह यहाँ पर भी है और दोस्तों छह यहाँ पर भी है, यानी हम आसानी से कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो इस साल यूपीपी में पूछा गया था, आइए देखते हैं उसको कैसे करते थे, कितना आसान था वो, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जो चीज है इसका अभी तक सीधा चीज पूछा गया है, हैंडशेक से पूछा गया है, इसका एप्लीकेशन अभी तक आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा इसका एप्लीकेशन भी, और उसको हो सकता है इस बार आपसे एग्जाम में पूछे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर दिमाग में रखिए। और इसको रखने से ये होगा कि अगर आप इसके अलावा एसएससी के एग्जाम देंगे, बैंक एग्जाम देंगे या कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें ये चीज आपकी मदद करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, कहते हैं कि एक पार्टी में कुल 16 लोग थे, है ना, कुल 16 लोग थे, कितने लोग थे दोस्तों, 16 लोग, सबने सबसे हाथ मिलाया, ठीक है, सबने सबसे हाथ एक बार ही मिलाया, एक बार ही मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। दोस्तों सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब देखिए कितना आसान है। हमने आपसे कहा था कि जब भी हैंडशेक की यानी हाथ मिलाने की बात आए तो आपको एक चीज याद रखना है कि कुल कितने लोग हैं, ये याद रखना है ना, और आपको क्या रखना है, दो, यानी टू। क्यों दो क्यों याद रखना है, क्योंकि हर बार हाथ मिलाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। तो आइए देख लेते हैं, तो 16 है यहाँ पे, यानी टोटल कितना था, 16, है ना, और हमारे पास हाथ मिलाने के लिए कितने, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो। अब देखिए 16, ठीक है, 16 और सी और यहाँ पे टू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 को दो बार पीछे ले जाएंगे, यानी 16 और ये 15 भागे दो गुणे एक, अब ये कट जाएगा, कटेगा ना दोस्तों, कट जाएगा, तो 16 काटने कितना जाएगा ये। अब 15 गुणे 8 कितना होता है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही, कितना होता है, 120, यानी 120 बार हाथ मिलाए जाएगी इस पार्टी में, है ना दोस्तों, देखिए कितना आसान है ना दोस्तों। अभी अगर ये चीजें आप कर ले रहे हो तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। आपने सीधा सीधा ऐसे 16 था, आपने 16 लिखा और ऐसे एक पीछे लिख लिया, एक संख्या पीछे की लिख ली और दो गुणे कर लिया, ऐसे देखिए तुरंत काट देंगे और सीधा आपका आ जाएगा 120। मान लीजिए पार्टी में 25 लोग वो कह देता है तो आपको क्या करना है, 25 गुणे 24 अपॉन 2, सीधा सीधा लिख देना है और इसका आपको यहाँ पे कर देना है। और 25 धन कितना होता है, 250, और 25 यानी कितना हो जाएगा टोटल, 300, यानी 300 बार हाथ मिलाए गए, है दोस्तों, कितना आसान है ना दोस्तों, देखिए कितना आसान, आसानी से आप निकाल सकते हैं विद इन 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के अंदर ही आप अपना आंसर दे देंगे। लेकिन दोस्तों अगर इसका उल्टा रूप पूछ ले, उल्टा रूप का ये मतलब है कि आपसे कहा जाए कि पार्टी में कुल अब हाथ कितनी बार मिलाया गया था, तो कुल कितने आदमी थे, है ना, कुल कितने आदमी थे ये आपसे पूछ ले, तो आइए उसके लिए भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में, उसके लिए कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। उसके लिए जैसे हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ये दे दे, है ना, यानी आपको क्या दे दे, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं जिससे स्पेस बन जाए आपके लिए दोस्तों, अगर
कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कहे कि कुल 120 बार हाथ मिलाए गए, कुल 120 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कितने लोग थे, है ना। देखिए इसी का उल्टा रूप है, हमको पता है कि 16 ही आंसर आना है, लेकिन कैसे आएगा दोस्तों, है ना, ये देख लेते हैं। अब हमको पता है कि हमने फॉर्मूले में आपसे क्या पूछ रखा है कि एन सी आर, अब आपको पता है कि एन की वैल्यू क्या, ये क्या होता है टोटल कितने लोग थे, और आर की जगह हमेशा क्या रखना है आपको, टू रखना है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 120 दे रखी है पहले से, 120। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एन आपको निकालना ही है ना, एन सी टू बराबर 120, है ना दोस्तों, एन सी टू बराबर 120। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे टिक के चलिए। करना क्या है, एन को दो बार पीछे ले जाना है, यानी एन एक हो गया और दूसरी बार पीछे ले जाएंगे तो एन वहां से एक कम, है ना। जैसे 16 था, 16 को ये रहता था तो क्या करते थे, 16 लिखते थे और फिर 16 में से एक घटाते थे ना, तभी तो 15 आता था ये। इसी तरीके से यहां अगर एन रहेगा तो एक बार एन लिख लेंगे और दूसरी बार एन माइनस वन कर देंगे, है ना दोस्तों, अपॉन 2 × 1 ये कितना आ जाएगा 120, है ना दोस्तों। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो ये इधर चला जाएगा, तो एन एन माइनस वन इसका भी कितना आ जाएगा 124, 240, है ना दोस्तों। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन, और ये एन स्क्वायर इसका इससे बड़ा होगा और फिर इसका इससे बड़ा होगा, तो इसका गुणा ये आ गया और इसका गुणा ये आ गया, और अब ये आ जाएगा 240। अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, एन स्क्वायर है ना, हम इसको भी इधर ले जाएंगे तो माइनस एन और फिर ये कितना आ जाएगा माइनस 240, है ना दोस्तों, ये आ जाएगा। अब ये जब कुल आ जाएगा तो आप इस पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल आपको जो मैथड पड़ता है स्क्वायर निकालने का वैसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑप्शन में ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, ऑप्शन दिया जाता है 16, 17, 18, 19 जैसे दिया था उस तरह जा सकते हैं, या फिर इसका भी एक तरीका मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा वो देखिएगा, पहले इसको देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, इसको लगा लीजिए, या इसको ऐसे कर सकते हैं आगे पहले माइनस दिया है तो यहाँ प्लस और ये माइनस, इसका ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करने के बाद 1 आए, है ना, माइनस करने के बाद क्या है 1 आए, है ना। तो इसका फैक्टर ऐसे कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आपको पता है इसका फैक्टर कैसे होगा, ये आपका वही मैथड है आपका 240, है ना, इसको अगर 12 से काटे तो यहां पे आ जाएगा 120, फिर 12 से काटेंगे तो फिर कितना आएगा दोस्तों 10, 5 से काटे तो 2 आ जाएगा, है ना दोस्तों, कितना आसान है। अब देखिए अब इसमें आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि यहां पे आपका क्या आ जाए, यहां 2 आंसर आ जाए, तो जो आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, है ना, आंसर जो होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, निगेटिव वाला नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये मैं आपको करके नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इसको करना आपको भी एग्जाम में नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको एग्जाम में क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कैसे आपको एग्जाम में करना, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो ये तो रहा लंबा रास्ता, आप लंबा रास्ता लेंगे तो भी आंसर आएगा, छोटा रास्ता लेना चाहते हैं तो देखिए छोटा रास्ता, मान लीजिए इसका आजकल ऑप्शन आते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर पहला 18, ऑप्शन नंबर दूसरा 17, ऑप्शन नंबर तीसरा 16, ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपके पास वो नन ऑफ दीज का है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन से आपको करना है ना, ऑप्शन से करना है, अब आप क्या करेंगे, ये एक एक डिजिट उठा लेंगे, है ना, फटाफट ऑप्शन चेक करेंगे, आपने क्या करना था, अगर 16 लोग होते तो आप क्या करते हैं 16 × 15/2 यही तो करते हैं, है ना, यही करते हैं पिछले इस क्वेश्चन में हमने कैसे किया, तो आप एक एक करके ऑप्शन उठा लेंगे, देखिए 18 × 17/2 है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे 17 × 16/2 है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे
16 गुणे 15 बटा 2। अब इसको काट के देख लेंगे, देखिए यहाँ कितना आएगा 9, है ना, कितना आएगा 9, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 153, जो कि यहाँ पे 120 है और यहाँ 153 आ रहा है, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ये 17, इसको काटेंगे 8, देखिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको काटेंगे, अगर देखिए यहाँ 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 120, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्टली यही हो जाएगा। दोस्तों ये करना थोड़ा मुश्किल है, आप फैक्टर में जाकर फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो देखिए कितना आसानी से आप तुरंत लगा लें। यानी आपको करना कितना है कि अगर उल्टा रिवर्स ये क्वेश्चन पूछे तो आपको पता है एनसीआर और आर की वैल्यू, तो लेकिन अगर उल्टा पूछ दे तो सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन का गुणा एक पीछे वाले से करके बटे दो कर देना है ना, जैसे इसमें करते थे उसी तरह से करके आप कर लेंगे। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। आइए अब उसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, यानी इसी पर निर्धारित जो दूसरे तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यानी हैंडशेक के अलावा जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। दोस्तों ये लगातार एग्जाम में पूछा है और आपने देखा है कितना आसान है ना, ऑप्शन से मैंने आपको लंबा मेथड भी बताया और छोटा वाला मेथड भी बताया कि दोनों को कैसे कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अब आइए इसके एप्लीकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और कुछ कुछ एग्जामों में पूछा गया है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या कहता है बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि अगर एक प्लेन पर यानी एक सतह पर कुल आठ बिंदु दिए हुए हैं, है ना, आठ बिंदु अथवा पॉइंट दिए हुए, देखिए 3 4 5 6 7 8 आठ पॉइंट दिए हुए, है ना, एक सतह पर आठ बिंदु दिए हुए हैं, है ना, जो कि एक रेखा में नहीं है, यानी एक लाइन में नहीं है, देखिए इधर उधर बिखरे हुए हैं, है ना। अब जब बिखरे हुए हैं तो इनसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो बताइए इन कुल आठ बिंदुओं से, इन कुल आठ पॉइंट से आप कितने, यानी पहला क्वेश्चन कितने कितने त्रिकोण बना सकते हैं, है ना, कितने त्रिकोण बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी से पूछ सकता है कि कितने चतुर्कोण बनेंगे, है ना, यानी इसको आप ट्राइंगल कह सकते हैं, इसको आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, है ना, या फिर इसी से आपसे पूछ सकता है कि कितने कितने पंच कोण बनेंगे, है ना, पंच कोण यानी पेंटागन, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या, पेंटागन बनेंगे। इसी तरीके से आपसे हेक्सागन यानी षटकोण पूछ सकता है, सबकोण पूछ सकता है ना दोस्तों। यहाँ पे कितने भी पॉइंट दे रहे, हमने आठ का एग्जांपल लिया है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना दोस्तों। अब इसको समझना बहुत आसान है, अगर आपने पहले समझा हुआ है तो इसको समझना बहुत आसान है। देखिए कैसे करते हैं, कहता है कि अगर आठ बिंदु हैं तो इससे कितने त्रिकोण बनेंगे। हम सबसे पहले त्रिकोण वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर हमें त्रिकोण बनाना है, यानी ट्राइंगल बनाना है, तो हमें कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी, है ना, कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल पता है कि तीन बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। कहीं पर भी अगर ऐसे तीन बिंदु दिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना, कहीं पर भी कुछ भी तरह से अगर तीन बिंदु दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। इसमें भी किन्हीं भी तीन बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हमें हाथ मिलाने के लिए दो लोगों की जरूरत थी, वैसे ही ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है, कितने बिंदुओं की, तीन, ठीक है। अब जैसे तीन बिंदुओं की जरूरत है, ठीक है, अब तीन बिंदुओं की जरूरत, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब करेंगे क्या, करेंगे वही जो पहले करते आते थे, एन सी आर, इस बार आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए कितने की जरूरत, तीन की, और एन की कितने हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आठ, ये जो आठ है ये आठ बिंदु है ना। यहाँ पे अगर दस बिंदु रहे आज तक, अब दस लिखते, पंद्रह दिया रहता तो पंद्रह लिखते, है ना दोस्तों। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, आठ को तीन बार पीछे ले जाना, यानी आठ सात और ये छह, तीन बार पीछे ले गए, एक दो और तीन, तीन बार क्योंकि यहां तीन लिखा था,
इसको आप ऐसे पहले लिख लीजिए 8C3 है ना। अब ये हो गया, अब तीन को तीन गुणे दो गुणे है ना, देखिए कितना आसान हो गया है ना, यानी कितना आ गया यहाँ पे 56। यानी इन आठ बिंदुओं से आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं दोस्तों, 56। ज्यादा लग रहा है दोस्तों देखने में 56, लेकिन वास्तव में यहाँ 56 ट्रायंगल बनेंगे बनेंगे ना। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आया। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ट्रायंगल बनाने के लिए यानी त्रिकोण बनाने के लिए आपको कुल कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, 3। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बिंदु कितने दिए थे हमें, 8। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो यानी हमने रखा 8C3, ठीक है। जब 8C3 रखा तो इसको 8 को तीन बार पीछे ले गया, 8, 7 और 6, और नीचे 3 गुणे 2। अब इससे इससे काट लिया गया है कितना, 56। इसी तरीके से अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, दूसरा वाला देखें, चतुर्भुज बनाने के लिए हमें दोस्तों कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही 4। अब देखिए एन सी आर के फॉर्मूला होता है ना, तो इसकी जगह क्या रख लेंगे आप, एन की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ 8 बिंदु है तो 8C और आर की जगह कितना हो जाएगा, 4 है ना। तो ये वाला है ना चतुर्कोण, चतुष्कोण। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 / 4 × 3 × 2 × 1। अब 4 × 8 कट गया है ना, 3 × 6 कट गया है ना दोस्तों। तो 7 × 5 = 35, 35 × 70, यानी कुल 70 चतुर्कोण बनेंगे अगर 8 बिंदु आपके पास दी हुई है। और पंचकोण अगर इसका निकालना है तो जी हाँ दोस्तों बहुत आसान है, देखिए इसका अगर आपको निकालना है इसका, तो वही NC5 है ना। तो N की जगह क्या हो जाएगा आपका, 8C5 है ना दोस्तों। तो अब मैं आशा करता हूँ इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखा सर दोस्तों कितना आसान है इसको करना, और अगर इसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपसे अगर त्रिकोण पूछ ले, चतुर्कोण पूछ ले, पंचकोण पूछ ले, षटकोण पूछ ले, यानी 8 भुजाएं वाले पूछ ले, 10 भुजाएं वाले पूछ ले, 11 भुजाएं वाले पूछ ले, कितने भी भुजा वाले पूछ ले आप कर लेंगे, यानी क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन, सेप्टागन कुछ भी पूछ ले तो आप इसको निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि बनाने के लिए अगर आपको पेंटागन पूछा है यानी पंचकोण पूछा है तो पेंटागन बनाने के लिए आपको कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, 5। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, फिर 5। और एन की वैल्यू जितने भी क्वेश्चन में बिंदु आपको दिए रहेंगे यानी जिनको मिलाकर आपको बनाना होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको जो एन है उसको इतने बार यानी जित आर के आर बार उसको हम ओपन कर लेंगे, और फिर नीचे अपन जो भी नीचे आर की वैल्यू होगी उसको 1 तक ओपन कर लेंगे, ठीक है। बस फटाफट काटा और आपका आंसर आ जाएगा। ये इस आंसर से आप बिल्कुल घबराइएगा मत कि 70 आ रहा 70 कैसे बनेगा, बस इतना याद रखिए ये बनेगा, बिल्कुल 70 बनेगा, 70 ही बनेंगे, एक भी कम नहीं बनेगा। अब ये 70 अमाउंट ज्यादा लग रहा है आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका आंसर 70 ही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये हाथ मिलाने वाली प्रॉब्लम आपको बिल्कुल समझ में आएगी, और आप इसके क्वेश्चन लगाइए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लगते या कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको इसका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपका रीजनिंग गुरु आपसे अलविदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन दिया रहता है उसको जरूर बजाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले और इससे आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।